रिटेंशनल प्रोसेसेस। फॉर इंफॉर्मेशन गेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टू बी यूजफुल इस मस्ट बी रिटेन। सबसे ज़रूरी है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने ऑब्जर्वेशन से गेन की है अगर उसको यूज़फुल बनाना है तो वो इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर यानी कि रिटेन ज़रूर होनी चाहिए। अब इन्फॉर्मेशन दो तरीके से रिटेन हो सकती है, या तो इमेजिनली कि पिक्चर्स ऑफ द मॉडल्ड एक्सपीरियंस, लाइक जिसे कोग्निटिव मैप के बारे में बोला टॉलमैन ने कि इमेजिनली इन्फॉर्मेशन रिटेन हो रही है, इसका मतलब जो भी पिक्चर्स हैं ऑफ द मॉडल्स एक्सपीरियंस दैट इज़ रिटेन्ड या कोग्निटिव मैप बने हुए हैं दिमाग में। वर्बली भी इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है, ठीक है, वर्बल कोड में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है वो वर्बली हो रही है। नाउ बोथ फॉर्म्स आर वेरी क्लोजली इंटरलिंक्ड। वंस इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड कोग्निटिवली एंड कैन बी रिट्रीव्ड कवर्टली, रिहर्स्ड एंड स्ट्रेंथन्ड लॉन्ग आफ्टर ऑब्जर्वेशन लर्निंग हैज़ टेकन प्लेस। एक बार इन्फॉर्मेशन को आपने कोग्निटिवली स्टोर कर दिया तो वो रिट्रीव किया जा सकता है आगे, कोवर्टली रिहर्स कर सकते हैं उसको बार बार, स्ट्रेंथन कर सकते हैं लॉन्ग आफ्टर दैट ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग हैज टेकन प्लेस। सो आफ्टर दैट लर्निंग हैज रिटेंड होगी इन्फॉर्मेशन, तो आप कोग्निटिवली उसको प्रोसेस कर सकते हैं, रिहर्स कर सकते हो, स्ट्रेंथन कर सकते हो। नाउ दिस स्टोर्ड सिंबल मेक डिलेड मॉडलिंग पॉसिबल, एंड यहीं से आप कहते हैं कि डिलेड मॉडलिंग पॉसिबल होती है रिटेंशनल प्रोसेसेस के द्वारा। नेक्स्ट इज बिहेवियरल प्रोडक्शन प्रोसेसेस। नाउ दिस डिटरमाइन द एक्सटेंट टू दैट विच हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इन टू परफॉर्मेंस। बेसिकली बिहेवियर का प्रोडक्शन का प्रोसेस, देखिए unavailability of necessary motor apparatus to make a certain response, one's inadequate maturational level, injury or illness can prevent the person from behave in that way. Agar usko injury illness hai ya inadequately mature nahi hai, even though if one is equipped, a period of cognitive rehearsal is also necessary before an observer's behavior can be match a model. है ना, रिहर्सल भी तो ज़रूरी है, कोग्निटिव रिहर्सल ज़रूरी है, तभी ऑब्जर्वर का बिहेवियर जो है वो मैच कर सकता है मॉडल के साथ। सो अकॉर्डिंग टू बैंड्योरा, सिंबल्स रिटेन्ड फ्रॉम अ मॉडलिंग एक्सपीरियंस एक्ट एज अ टेम्पलेट विच वंस एक्शंस आर कंपेयर्ड कॉन्टिन्यूसली एंड इज ट्रिगर्स कोरेक्टिव एक्शंस। सो बैंड्योरा के मुताबिक सिंबल्स जो हैं वो रिटेन होते हैं हमारे मॉडलिंग एक्सपीरियंस से, एंड दे एक्ट एज अ टेम्पलेट। जो सिंबल्स रिटेन होते हैं मॉडलिंग एक्सपीरियंस से वो एक टेम्पलेट सेट कर देते हैं हमारे अंदर, विद विच वंस एक्शंस आर कंपेयर्ड कॉन्टिन्यूसली। इसके द्वारा ही एक व्यक्ति के एक्शंस जो हैं वो कंपेयर होते हैं कॉन्टिन्यूसली, एंड इट ट्रिगर्स द करेक्टिव एक्शन, ठीक है। और उसी के द्वारा सिंबल्स रिटेन हो गए हैं, टेम्पलेट बन गया है, and one's actions are compared continuously with it and it triggers a corrective action. तो motivational processes उसकी theory में reinforcement के दो major functions हैं, जैसे expectation create हो जाती है observer में कि अगर वो model की तरह ही act करेंगे तो they will also get the reinforcement जैसे उसको मिली है। It acts as an incentive for translating the learning into performance. सो वहाँ मोटिवेशन या रीइन्फोर्समेंट जो है वो इंसेंटिव बन के आता है फॉर द लर्निंग टू बी ट्रांसलेटेड इनटू परफॉर्मेंस। बोथ फंक्शन ऑफ रीइन्फोर्समेंट आर इंफॉर्मेशनल, लाइक इट क्रिएट्स एन एक्सपेक्टेंसी इन ऑब्जर्वर दैट इफ दे एक्ट लाइक मॉडल दे विल बी लाइकली टू बी रीइन्फोर्स। मोटिवेशनल प्रोसेसेस प्रोवाइड अ मोटिव फॉर यूटिलाइजिंग वॉट हैज़ बीन लर्न। तो ये मोटिवेशनल प्रोसेसेस जो हैं वो बेसिकली एक तरह से मोटिवेशन करते हैं उनको कि वट एवर हैज़ बीन लर्न्ड उसको वो ट्रांसलेट करें परफॉर्मेंस में, राइट। वो तभी उसको भी वो रिइन्फोर्समेंट प्राप्त होगी जो और मॉडल को मिली है, एक्सपेक्टेशन पूरी होगी, उसको इंसेंटिव प्राप्त होगा, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू नाइदर रिइन्फोर्समेंट नॉर डायरेक्ट एक्सपीरियंस इज एसेंशियल फॉर लर्निंग। बैंड्योरा मानते हैं रिइन्फोर्समेंट ना ही डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो है वो एसेंशियल है लर्निंग के लिए। वाइकेरियस रीइन्फोर्समेंट या पनिशमेंट भी इन्फॉर्मेटिव हैं। जितने डायरेक्ट एक्सपीरियंस से लर्निंग होती है वाइकेरियसली भी हम उतना ही लर्न कर लेते हैं,
या पनिशमेंट द्वारा भी अपनी लर्निंग हो जाती है, रीइन्फोर्समेंट भी नेसेसरी नहीं है. लर्नर गेन्स इन्फॉर्मेशन बाय आइदर ऑब्जर्विंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर ओन बिहेवियर और दैट ऑफ अदर्स. वाइकेरियस रीइन्फोर्समेंट क्या है कि लर्नर जो है उसको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रही है बाय ईदर ऑब्जर्विंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अदर ओन बिहेवियर, कि वो अपने बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस को देख रहा है या इवन दूसरों के बिहेवियर को भी एनालाइज कर पा रहा है और द बिहेवियर ऑफ अदर्स. एंटिसिपेटेड एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस आर नॉट द ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ बिहेवियर. तो जो एंटिसिपेटेड एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस हैं वो ही एक लौकते ही डिटर्मिनर नहीं है बिहेवियर के, ठीक है. एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज जो एंटिसिपेटेड हैं वही ओनली डिटर्मिनर नहीं है बिहेवियर का, इट्स पार्शली डिटर्मिन बाय एंटिसिपेटेड सेल्फ रिएक्शंस आल्सो व्हिच आर डिटरमाइंड बाय वंस इंटरनलाइज स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस बाय वंस परसीव्ड सेल्फ एफिकेसी. सिर्फ एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस डिटरमाइन नहीं करते बिहेवियर को, कि जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं एनवायरमेंट से जो कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे वो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं वो ही नहीं है डिटरमिनेंट बिहेवियर. पार्शली सेल्फ रिएक्शंस यानी कि हमारी खुद के इंटरनलाइज्ड स्टैंडर्ड क्या हैं परफॉर्मेंस के, एंड बाय वंस परसीव्ड सेल्फ एफिकेसी, कि हमारी सेल्फ एफिकेसी क्या है उससे भी कहीं ना कहीं डिटरमाइन होती है हमारे जो बिहेवियर है, राइट. दैट्स ऑल्सो डिटर्मिनर ऑफ आर बिहेवियर. हमने कहा ये ट्रायार्डिक रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म है बिकॉज बिहेवियर एक्शंस और डिसीजंस जो हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं पर्सन के साथ यानी उसके इंटरनल कॉम्पोनेंट्स के साथ, कोग्निटिव इमोशनल फिजिकल कॉम्पिटेंसीज के साथ. एंड देन देयर इज ऑल्सो एनवायरमेंट प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल, एक्सटर्नल स्पेस लॉज ऑब्जेक्टिव्स, राइट. एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी रोल प्ले कर रहे हैं. द लास्ट स्लाइड इज सेल्फ रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर. सो बेंड्यूरा के अकॉर्डिंग ह्यूमन बिहेवियर इज लार्जली सेल्फ रेगुलेटेड. ह्यूमन बिहेवियर तो लार्जली हम सेल्फ रेगुलेट करते हैं खुद को. थ्रू डायरेक्ट और वाइकेरियस एक्सपीरियंसेस ह्यूमंस लर्न परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स व्हिच बिकम अ बेसिस ऑफ देयर सेल्फ इवैल्यूएशन. सो वी सेल्फ रेगुलेट आवरसेल्व्स एंड थ्रू डायरेक्ट और थ्रू ऑब्जर्वेशनल वाइकेरियस एक्सपीरियंसेस वी लर्न सर्टेन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स और उन पे ही हम खड़े उतरने की कोशिश करते हैं. हमारे लिए वो एक बेस बन जाता है फॉर सेल्फ इवैल्यूएशन. इफ़ योर बिहेवियर मीट्स और एक्सीड्स वन स्टैंडर्ड इट इज़ इवैल्यूएटेड पॉजिटिवली. अगर तो आपके स्टैंडर्ड पूरे हो रहे हैं आपके बिहेवियर द्वारा, आपके स्टैंडर्ड्स मीट हो रहे हैं तो वो पॉजिटिव इवैल्यूएशन वहाँ होगी. If it falls short, it will be negatively evaluated. Now these standards are imbibed from direct experience with the reinforcement. अब ये standards कैसे बने हैं, एक हो सकता है कि directly आपको reinforcement के साथ experience हुआ हो, praise मिली हो जैसे parents से, वो directly develop vicariously by observing others being reinforced. और हो सकता है कि ये standards imbibe हुए हैं कि आपने दूसरों को vicariously देख observe किया है ना कि वो रीइन्फोर्स हो रहे थे. परसीव्ड सेल्फ एफिकेसी, अब इट रेफर्स टू वंस बिलीव्स कंसर्निंग व्हाट वन इज केपेबल ऑफ डूइंग एंड इट अराइजेस फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेस. बेसिकली सेल्फ एफिकेसी रेफर करता है वंस बिलीव कंसर्निंग कि वो कितना केपेबिलिटी है उसका ऑफ डूइंग समथिंग, एंड इट अराइजेस फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेस, बहुत अलग अलग सोर्सेस से आता है. पर्सनल accomplishments एंड failures, seeing अदर्स who आर सीन as लाइक सिमिलर टू सेल्फ succeed or fail. सो सेल्फ efficacy की फीलिंग एक तो अपने पर्सनल accomplishments और failures से आती है, दूसरा कि दूसरों को देखें जो हमारे हैं जैसे हमें लग रहे हैं, seeing them as succeeding or failing. Verbal persuasion also plays a major role in regulating the behavior, self-regulating. How well you persuade yourself verbally also plays a major role in self-regulating the behavior. So people with high perceived self-efficacy try more, accomplish more, they persist longer, they have a more sense of perceived control, experience, less shame, less fear than people who have a low self-efficacy. Jinmein high hogi, wo accomplish karna zyada chahenge, you know, they will persist longer. They'll have a more sense of perceived control.
उनको शेम कम महसूस होगी एंड यू नो लेस फियर दे विल हैव. परसीव्ड सेल्फ एफिकेसी मे और मे नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू रियल सेल्फ एफिकेसी. बेस्ट इज व्हेन दे आर टू देयर इज अ कॉन्ग्रेंस बिटवीन टू. परसीव्ड और हो सकता है रियल सेल्फ एफिकेसी में अंतर हो. सबसे अच्छा है कि दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग हो, ऑब्वियसली कॉन्ग्रेंट हो. नेक्स्ट इज मॉरल कंडक्ट. नाउ मॉरल कोड डेवलप्स थ्रू इंटरेक्शन विद मॉडल्स. जनरली पेरेंट्स के साथ डू और डोंट सिखाते हैं हमें पेरेंट्स. सो मॉरल कोड डेवलप होते हैं हमारे इंटरेक्शन के साथ विद आर मॉडल्स. सो मॉरल कोड डेवलप्स थ्रू एन इंटरेक्शन विद द मॉडल्स. जनरली पेरेंट्स लाइक डू और डोंट सिखाते हैं जो. नाउ डिपार्चर फ्रॉम वन मॉरल कोड लीड्स टू सेल्फ कॉन्टेम्प्ट एंड अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस. अगर आप अपने मॉरल कोड से दूर जाते हैं तो दैट लीड्स टू अ सेल्फ कॉन्टेम्प्ट, है ना, आपको बुरा लगता है, सेल्फ कॉन्टेम्प्ट, अनप्लेजेंट फीलिंग आती है मॉरल कोड से. बट अनलाइक स्टेज थेरिस्ट, ट्रेड थेरिस्ट एंड इवन बिहेवियरिस्ट, बेंडियोरा बिलीव्स दैट बिहेवियर डायनेमिक है, सिचुएशनल है एंड इज इवन रूल्ड बाय सर्कमस्टेंसेस. सो बेंडियोरा का ये मानना है कि जो बिहेवियर है वो काफ़ी डायनेमिक और सिचुएशनल होता है. ठीक है, बेंडियोरा बिलीव्स दैट बिहेवियर इज डायनेमिक, इट्स सिचुएशनल, इट्स रूल्ड बाय सर्कमस्टेंसेस. ठीक है, बिहेवियर डायनेमिक होता है और इट इज़ रूल्ड बाय द सर्कमस्टेंसेस. ठीक है, डायनेमिक है, सिचुएशनल है. मॉरल डिस एंगेजमेंट. नाउ सर्टेन डिसोसिएटिव मैकेनिज्म्स हेल्प पीपल अवॉइड सेल्फ कॉन्टेम्प्ट व्हाइल इंडल्जिंग इन सच बिहेवियर व्हिच इज नॉट इन लाइन विद द मॉरल स्टैंडर्ड्स. अब कुछ डिसोसिएटिव मैकेनिज्म्स जो हैं हेल्प करते हैं लोगों को टू अवॉइड सेल्फ कॉन्टेम्प्ट while indulging in such behavior which is not in line with the moral standard. कुछ dissociative mechanisms help करते हैं लोगों को self-contempt से को avoid करने के लिए. while indulging in behavior which are not in line with the moral standards. अब ये कौन से सकते हैं, आप dehumanize कर दो, blame डालो, attribution of blame, disregard, distortion of the consequences, diffusion of responsibility, displacement of responsibility हो जाए, advantages comparison, moral justification and euphemistic labeling से भी. ठीक है, morally एक आप अपने action को justify कर रहे हैं, euphemistic labeling कर रहे हैं, advantages comparison कर रहे हैं, displacement कर रहे हैं responsibility को, diffusion of responsibility है, डिसरिगार्ड कर रहे हैं आप, डिस्टॉर्ट कर रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस को, डीह्यूमनाइज कर रहे हैं किसी को, एंड देयर इज एन एट्रीब्यूशन ऑफ ब्लेम एज़ वेल.